What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 21 मई 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर निफ्टी का आज का क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 20 मई आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 8,923 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 8,853। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन हुआ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के बीच में, और जैसे टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा तो फर्स्ट टारगेट 8,953 ये यहाँ पर अचीव हुआ। उसके बाद कंटिन्यू ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव, और एग्जैक्ट जो हमारा सेकंड टारगेट था पिवट पॉइंट का R1 का लेवल 8,986 ये यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद 10 बजे से लेके 2 बजे तक ये कंटिन्यू एक स्लगिश पैटर्न, एक लेजी मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा था। और बाद में जब 2 बजे के बाद ये एक ब्रेकआउट मिला, ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमने इन लेवल्स को वहाँ पर नोट डाउन किया था कि ऊपर अगर डे हाईस को ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो और निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर ये जो 9000 का लेवल है ये अराउंड 8950 के पास, ये इसको अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ब्रेक करता है, यानी ये जो रेंज यहाँ पर क्रिएट हुआ था 3 घंटे का, इसका अपर बैंड और लोअर बैंड ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकता था। तो यहाँ पर जैसे ही इसने ऊपर का हाई, डे का हाई ब्रेक किया तो और ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में हमें जो समय बचा था, ट्रेडिंग आवर्स बचे थे, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 36 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 27,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल कंटिन्यू हमें US मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। नास्डैक करीब 190 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। जैसे यहाँ पर RBI और गवर्नमेंट राहत पैकेज अनाउंस कर रही है, वैसे ही US में एक्सपेक्टेशन है कि फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हो सकता है, और वहाँ पर फिर से एक बार जो रिस्ट्रिक्शंस थे बिजनेसेस के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, वो एक बार फिर से खोल दिए गए, तो रीओपन हो चुका है इकोनॉमिक, तो वहाँ पर तो इसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। हालांकि एशियाई बाजारों में आज देखे तो SGX निफ्टी 32 पॉइंट के एक हल्की सी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ICI बाज़ार लगभग देखे तो अभी एक लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखे तो 134 पॉइंट के इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी देखे तो ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो ट्रेंड अभी डेली चार्ट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही है। भले कल यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली होगी, लेकिन ये जो ओवरऑल ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। जहाँ से हमने 50 EMA से ये रेजिस्टेंस फेस करके कंटिन्यू 4 दिन ये लगातार टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा था, तो ये जो रिकवरी आई है ये लाजमी है यहाँ पर आना। एक 4 दिन के डाउनफॉल के बाद ये हमें दिखा रहा है, लेकिन इसने अभी तक ये जो 18 मई का ये कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल स्टिक, इसका हाई और लो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, यानी इस ये रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अभी 2 दिन को हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर ट्रेंडलेस मार्केट हम इसे कह सकते हैं, इनसाइड बार ट्रेडिंग इसे कहा जाता है। और अगर ये ऊपर अगर यहाँ से मूव होता है तो इसे पहले इस बियरिश कैंडलस्टिक का हाई कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा, जो कि 9150 के आसपास है, और 20 EMA भी अभी लगभग उसी रेंज में है। तो यहाँ पर 9150 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो सकता है। इसको कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो फिर से हमें ऊपर की तरफ ये 50 EMA का मेन हर्डल है, 9500 के पास ये इस समय
प्लेस है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये दो मेजर रेजिस्टेंस है, और नीचे अगर ये फिर से एक बार 8,806 को ब्रेक करता है तो हमें 8,700 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ये जो यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है, अगर पास्ट में भी देखें तो यहाँ से ही निफ्टी इंडेक्स ने एक यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया था। तो इसी लेवल के पास फिर से निफ्टी इंडेक्स ने ये 4 दिन के गिरावट के बाद एक हॉल्ट ले रहा है, तो ये काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है अभी इस समय। तो ये ब्रेक होता है तो निफ्टी और टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे ग्लोबल सीनारियो हम देख रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से एक अपसाइड हमें मूवमेंट देखने को मिले। हालांकि ये जो हर्डल्स है इनको कंफर्टेबली ये टेक्निकल लेवल्स को पार करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ट्रेंड अभी ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड का ही है। एक बार मंथली चार्ट को भी फिर से एक बार हम देख लेते हैं। मंथली चार्ट में ये जो 100 EMA का ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पर ही 2008 में इसने काफ़ी मंथ यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लगभग 4-5 महीने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया था, इस सपोर्ट को ज़बरदस्त टेस्ट कर रहा था और यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था। अभी भी ये देखे तो इस समय ये 100 EMA के पास ये सपोर्ट ढूंढ रहा है, सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर आने के बाद फिर से हमें एक बाउंस बैक दिखा रहा है, ये 8,786 के पास है अभी फिलहाल। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर अभी ये जो फॉल आया है ये स्ट्रेट फॉल आया है, यहाँ से मार्च महीने में ये स्ट्रेट फॉल आया है। अगर आप 2008 को देखें तो यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं तो डाउन ट्रेंड इस तरह से चलता है, लोअर हाइज लोअर लो बनाता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं लोअर हाइज लोअर लो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें 2020 में ये एक स्ट्रेट फॉल आया है। तो अभी ये लोअर लो यहाँ पर ये जो बना है स्विंग लो, अगर ये इसके नीचे ये महीने के एंड में अगर ये इस स्विंग लो के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो यहाँ पर चांसेस और बढ़ जाते हैं कि यहाँ से निफ्टी इंडेक्स और करेक्ट हो सकता है, या फिर ये जो 100 EMA है जैसे 2008 में इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके एक W पैटर्न बनाया था, यानी डबल बॉटम पैटर्न बनाया था। हो सकता है इसी के तरह यहाँ पर भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो और जून महीने में ये अपसाइड मूव यहाँ से दिखाए और यहाँ पर ये डबल बॉटम क्रिएट हो। ये प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, जब तक ये 100 EMA के पास एक कोई ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न मंथली चार्ट में नहीं बनाता तब तक यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो ये टेक्निकली ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पर अगर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो आने वाले समय में हमें ऐसे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये था डेली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो बियरिश कैंडल्स थे के आर्ली चार्ट में ये यानी 18 मई को जो फर्स्ट आर का कैंडल बना है इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो 50 EMA उसके बाद 100 EMA और फिर R1 का भी पिवट पॉइंट का लेवल जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इन हर्डल्स को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, यानी 9,155 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 9,189, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 9,220, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट है यानी ये अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया है, यानी यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को फेस किया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है सपोर्ट का काम करे। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है पिवट पॉइंट का 9,011 तो हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 8,985 जो कि 20 EMA का ये पिंक लाइन है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 8,930 के पास है। ये काफ़ी लंबा टारगेट है तो ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।